गुड आफ्टरनून दोस्तों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हर्ष टीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन आईपीएल का, जो केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच होने वाला है उसके बारे में। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक इसलिए देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल समझाने की और एक बेस्ट से बेस्ट ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग से टीम बनाने के लिए आपको टिप्स दे रखी है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि सिंपली आपको करना क्या है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर अगर आपको ज्वाइन होना है तो नीचे मैंने अपना टेलीग्राम का खुद का जो पर्सनल अकाउंट का लिंक दे रखा है, आपको सिंपली वहाँ पर मुझे हेलो लिखकर भेजना है और आपको मुझे अपना पर्सनल नंबर देना है। टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी आपके नंबर का मिसयूज़ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। हमारे साथ अभी तक 17-18 लोग जुड़ चुके हैं और वो सभी लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपको भी हमारी जो टीम्स रहती है वो चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहाँ पर हमारे साथ बात चैट कर सकते हो। तो शुरू करता हूँ वीडियो को अभी। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैच कहाँ खेला जाने वाला है, मैच जो खेला जाने वाला है अबूधाबी में खेला जाने वाला है, जो कि जो फर्स्ट मैच हुआ था चेन्नई और मुंबई के बीच में, और जो केकेआर जो ये मैच अभी जो पिछले मैच हार के आ रही थी वो वहीं पर हुआ था। मुंबई ने इनको अच्छे तरीके से हराया था। अगर आप पार स्कोर देखेंगे ना, एवरेज स्कोर जो बनता है वहाँ पर 170 के आसपास बनता है वहाँ पर, और थोड़ी सी लंबी बाउंड्रीज है आगे की, 70-80 मीटर के आगे बाउंड्री है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ भी थोड़ी सी बड़ी है। तो बल्लेबाजों को थोड़ा सा स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, मगर एक बार जैसे आप देखेंगे सेट होने के बाद बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। जैसे कि रोहित शर्मा ने पिछले मैच में 80 रन के आसपास स्कोर किया था, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद फिर आपको तो पता ही है रोहित शर्मा किस प्रकार के बल्लेबाज है। तो आज के मैच में भी कुछ इसी प्रकार के बल्लेबाज है जो टाइम लेकर थोड़ा सा अपना समय लेते हैं मगर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अच्छी खासी टीम बनाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको देखेंगे जॉनी बेस्टो डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। अगर इनका आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो रिसेंट परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खासा रहा नहीं था, माफ़ करिएगा। जॉनी बेस्टो ने पिछले मैच में 61 रन की पारी खेली थी और थोड़ी सी स्लो पारी बोलेंगे आप, क्योंकि इनके अलावा मनीष पांडे ये दोनों ही बल्लेबाज चले थे पिछले मैच में। तो उम्मीद करेंगे कि आज डेविड वार्नर का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा इनको। तो जॉनी बेस्टो ओपनिंग कर रहे हैं और अच्छे टच में दिखे मुझे पिछले मैच में, तो आप इनको बिल्कुल पिक कर सकते हैं। वहीं पर दिनेश कार्तिक अगर आप देखेंगे तो वन डाउन आए थे और थोड़े से मुझे टच में दिखे मगर आज ख़राब सा एक शॉट खेलकर आउट हो गए, जो मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक से हम उम्मीद नहीं करते हैं। सो आज उम्मीद करेंगे अगर वन डाउन आते हैं तो आपके लिए बढ़िया ग्रैंड लीग का वाइस कप्तान का विकल्प बनते हैं दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा इनको। निखिल नायक बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको केकेआर खिला रही है तो एज अ फिनिशर खिला रही है क्या, क्योंकि फिनिशर के रोल तो बिल्कुल अदा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखे मुझे बैटिंग में भी। सो उम्मीद करेंगे कि आज के मैच में अगर ये खेलते हैं तो एक डिफरेंशियल पिक बन सकता है आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए। वृद्धिमान साहा खेलने के चांसेस कम है और गोस्वामी के भी खेलने के चांसेस कम हैं, तो मैं फिलहाल यहाँ पर जॉनी बेस्टो को ले रहा हूँ अपनी टीम में और दिनेश कार्तिक को ले रहा हूँ। हाँ दोस्तों, दिनेश कार्तिक अगर नीचे आता है यानी कि अगर फोर्थ फिफ्थ, जैसे कि पिछले साल आईपीएल आपने देखा होगा फिफ्थ पोजीशन पर बैटिंग करते, तो बिल्कुल ख़राब पिक रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग्स के लिए, क्योंकि इतना नीचे आकर बल्लेबाजी करके 10-15 गेंदे ही मिलते हैं इनको, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं दिनेश कार्तिक के स्कोर करने के। तो अगर पिछले मैच के समान वन डाउन आते हैं तो बढ़िया विकल्प रह सकता है आपके लिए, तो मैं फिलहाल इनको पिक कर रहा हूँ ऐसे सोचकर कि ये वन डाउन आएंगे आज के मैच में। अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे अच्छे खिलाड़ी देखने मिलेंगे यहाँ पर, मगर ये सभी खेल नहीं रही है। तो फिलहाल आप देखेंगे तो डेविड वार्नर एज ही इज़ ओपनिंग, ही कैन बी द बेस्ट चॉइस। पिछले मैच में ख़राब परफॉर्मेंस था मगर ही वॉज लीडिंग रन स्कोरर इन पिछले आईपीएल में, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था इनका वाला और हर आईपीएल में 500 के ऊपर रन बनाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये आईपीएल में इनका अच्छा जाए, तो फिलहाल हम इनको पिक करेंगे क्योंकि ही इज़ ओपनिंग एंड ही इज़ ए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड बढ़िया खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, इवन मॉर्गन की अगर बात करूँ तो बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखे मुझे पिछले मैच में, मगर कभी भी आकर अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं, इनका क्रेडिट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इनको फिलहाल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे मिनी ग्रैंड लीग की टीम में रहे। मनीष पांडे एक्सेलेंट टच में थे पिछले मैच में, मुझे लगा ही था अच्छे पर बैटिंग करने वाले, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इनको अपना वाइस कप्तान रखा था और मुझे अच्छे खासे पॉइंट दिलाकर दिए थे इन्होंने। शुभम गिल, दोस्तों मनीष पांडे वन डाउन आते हैं तो एक अच्छा विकल्प बन सकता है आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए। शुभमन गिल की बात करें दोस्तों तो ख़राब शॉट खेलकर एक पुल शॉट खेलकर आउट हुए थे, मगर ही एज अ क्लास, तो मुझे लगता है कि आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सिद्धेश लट दोस्तों बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये फिर से निखिल नायक जैसा का इनका रोल दिया गया इनको, मुझे नहीं लगता कि सिद्धेश लट उतने कुछ
खासे फिनिशिंग कर पाएंगे। सिद्धेश लट की जगह पर आप त्रिपाठी को भी खिला सकते हैं। टॉम बेंटन को भी अपने अपने साइड में रखा है, मगर ओवरसीज खिलाड़ी होने के कारण इनको मौका नहीं मिल रहा है फिलहाल। राहुल त्रिपाठी नया खेलेंगे। रिंकू सिंह एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। टॉम बेंटन को खेलने का मौका कम मिलेगा, संदीप को खेलने का मौका कम, विराट सिंह को देखना चाहूँगा मैं, मगर प्रियंक गर्ग खेल रहे हैं फिलहाल तो उनका रोल थोड़ा कम होता है। और अभिषेक शर्मा एक आपको ऐसा विकल्प जो आपको गेंदबाज भी करके देगा और बल्लेबाज भी करके देगा। समझ खेलने के चांसेस कम है तो फिलहाल इनको मैं लीव कर रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर शुभमन गिल, मनीष पांडे और डेविड वार्नर को लिया है। हो सकता है मेरे फाइनल टीम में मैं एक थोड़ा चेंज कर पिच वगैरह देख कर अभिषेक शर्मा को रख लूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे आप आंड्रे रसल, पिछले मैच में बिल्कुल आउट ऑफ टच थे और क्वालिटी गेंदबाजी भी हुई थी वहाँ पर आप देखेंगे तो। सुनील नारायण देखेंगे आपको, मैं फिलहाल आंड्रे रसल को अपनी टीम में ले रहा हूँ। सुनील नारायण को फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ, रीज़न वाई, इनको जब भी आते हैं बल्लेबाजी करने से बाउंसर ही मारना चालू कर रहे हैं और गेंदबाजी में उतनी कुछ धार दिखी नहीं मुझे। हो सकता है मेरे फाइनल टीम में हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना मत भूलिएगा। नीतीश राणा को पिक कर रहा हूँ मैं यहाँ से। जेसन होल्डर उम्मीद करूँगा आज के मैच खेलेंगे, रिप्लेसमेंट आए हुए ये तो फिलहाल जेसन होल्डर को पिक कर रहा हूँ, हो सकता है आज की मैच खेल भी ले। राशिद करामती खान को छोड़ना नहीं है आपने। पैट कमिंग्स बहुत ही ख़राब गेंदबाजी, 50 के ऊपर रन दे दी इन्होंने और ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इसे बल्लेबाजी से लिए तो हर बार इनका बल्ला चलेगा नहीं मुझे पता है। तो फिलहाल एज अ गेंदबाज पैट कमिंग्स का फॉर्म भी बहुत ख़राब है और क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। भुवनेश्वर कुमार अच्छा गेंदबाज, विकेट नहीं मिली मगर एक अच्छा गेंदबाज है। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज, बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा अपनी टीम में। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो टी नटराजन को अपनी टीम में रख रहा हूँ मैं। उम्मीद करूँगा कि खलील अहमद जल्दी से जल्दी वापसी करे, बैसल थम्बी को मौका नहीं मिल रहा है। बिनिस टैंकले ओवरसीज खिलाड़ी होने के कारण चांस नहीं मिल रहा है। संदीप शर्मा को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अपने ग्रैंड लीग की टीम में, ही इज़ एन एक्सीलेंट स्विंग गेंदबाज। अली खान साहब को तो मौका मिलना चाहिए पैट कमिंग्स की जगह पर, मगर जो उनके आगे प्राइस टैग लगा है उसके कारण KKR 10 बार सोचेंगे उनको चेंज करने के पहले। अगर खेलते हैं तो बढ़िया विकल्प बन सकता है आपके लिए, कम क्रेडिट में बढ़िया खिलाड़ी। शिवम मावी वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज बोलेंगे अपन KKR का, फिलहाल पिछले मैच में जिस प्रकार परफॉर्मेंस दिया इन्होंने तो इनको फिलहाल पिक कर रहा हूं मैं। तो इस प्रकार की हमारी टीम बनती है फिलहाल। हो सकता है कि टीम में कुछ चेंजेस हो, कप्तान वाइस कप्तान का विकल्प आप मुझसे पूछेंगे तो कप्तान बेहतर कप्तान रहेंगे आपके लिए जॉनी बेस्ट हो, एज ही इज़ ओपनिंग एंड विकेट कीपरिंग से भी आपको 10-12 पॉइंट दे सकते हैं। स्मॉल लीग से ले तो जॉनी बेस्ट वाइस कप्तान बेस्ट रहेंगे, और वाइस कप्तान अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आंड्रे रसल को आप रख सकते हो या फिर आप शुभम गिल के साथ भी जा सकते हो। डेविड वार्नर कैन बी द बेस्ट कैप्टन फॉर द ग्रैंड लीग्स। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और उम्मीद करूँगा आप जरूर ग्रुप को ज्वाइन करोगे।